fool keeps striving. The fool keeps striving, and yet he cannot control the mind. But the wise one just delights in the self, and for him, it is indeed spontaneous and perennial. Spontaneous and perennial. 18.41. मन के निरोध की कोशिश वैसे ही है जैसे मैं चल चल के रुकने की कोशिश करूं. मन को रोकने की कोशिश वैसी ही है जैसी कि मैं खूब सोचूं कि कैसे न सोचा जाए. मन को रोकने की कोशिश वैसी ही है जैसे कोई कुत्ता अपनी दुम को पकड़ने की कोशिश करे और लगातार चक्करों में घूमता रहे. मन को रोकने की कोशिश वैसी ही है जैसे मैं कोयला लेकर के किसी दीवाल को साफ करने की कोशिश करूं. हम क्यों भूल जाते हैं कि कोशिश करने वाला कौन है? हम क्यों भूल जाते हैं कि हर कोशिश के पीछे उसकी वृत्ति अपने आप को ही कायम रखने की है? कृपा करके ये कतई न भूलिए कि मन जब ये भी कह रहा हो कि मुझे विलीन होना है, तब वो ये कह करके जिंदा रहना चाहता है. जब मन ये भी कहता है कि मैं समर्पित हो जाना चाहता हूं, मैं घुल जाना चाहता हूं, मैं खत्म हो जाना चाहता हूं, तो वो आपसे यही कह रहा होता है कि समर्पित होकर जिंदा रहना है, अब घुल करके बचे रहना है, अब विलीन होकर भी अस्तित्व में होना है. मन किसी भी बात के लिए प्रस्तुत हो जाएगा यदि उससे उसे बचे रहने में सहायता मिलती है. वो जबरदस्त बहुरूपिया है, वो कोई भी रूप ले सकता है. वो भक्त का रूप भी ले लेगा. अगर भक्त बनके मन को बचे रहने में मदद मिलती है तो भक्त तुरंत बन जाएगा. मन की क्षमता ऐसी है कि वो ना कुछ का भी रूप ले लेगा. शून्यता के पुजारी होते हैं ना, उनका मन शून्य की उपासना करता है. उनका मन कहता है कि अब हम शून्य रूपी हो गए. इतना मजेदार शब्द है, जरा गौर करिए. अब हम शून्य रूपी हो गए. तो मन अपने प्रयोजनों के लिए शून्य का रूप भी रख लेगा. मन अपने प्रयोजनों के लिए अष्टावक्र गीता का 18वां अध्याय पूरा पढ़ डालेगा. जबरदस्त अहंकारी मन था, पूरा 18वां अध्याय पढ़ा और जा करके बोला घर में, जानते हो अब मैं कौन हूं? जिसने 18वां अध्याय पढ़ लिया है और पूर्ण निरंकार को पा लिया है. अष्टावक्र भी मन की भेंट चढ़ गए. मन का मुंह इतना बड़ा है और पेट में इतनी भूख है कि वो सब कुछ खा लेता है और सब कुछ पचा लेता है.
मन को कोई एतराज नहीं है, आप मोक्ष की कोशिश कर रहे हैं, मन कहेगा बेशक आओ मोक्ष की कोशिश करते हैं, और मन कहेगा कुछ समय बाद कि मेरी कोशिशों के फल स्वरूप मोक्ष प्राप्त भी हो गया और अब मैं कौन हूं, मैं मोक्ष प्राप्त मन हूं और मेरे सामने अब दो सितारे लगाओ क्योंकि मैं अब मोक्ष प्राप्त मन हूं। तो जिसको अष्टावक्र फूल कह रहे हैं, मूढ़ कह रहे हैं, उसकी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, उसका पारिभाषिक गुण ही यही है कि वो सोचता है कि मेरे करने से मिलेगा। जो शब्द प्रयोग किया आपने स्ट्राइव, कोशिश करना, उसका कोशिश पे बड़ा जोर है। उसका कोशिश पे बड़ा जोर है, वो बिल्कुल भूल जाता है कि हर कोशिश मन की ही है और मन सिर्फ एक कोशिश करता है अपने आप को बचाए रखने की। तो मूढ़ कौन, क्या कह रहे हैं अष्टावक्र, मूढ़ कौन जो कोशिश करता है भले ही वो कोई भी कोशिश हो। जो आपका साधारण संसारी है वो कोशिश करता है कि संसार से कुछ पालूं, और जो आपका ये तथाकथित ज्ञानी है ये कोशिश करता है कि संसार के बाहर कुछ है उसको पालूं। व्यापारी लगा हुआ है इस संसार को जीतने में, पुजारी लगा हुआ है किसी और संसार को जीत लेने में, हैं दोनों बराबर के मूढ़, दोनों बिल्कुल बराबर की मूढ़ता कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही मन का उपयोग करके मन को शांत करना चाहते हैं। अब इसी बात को आगे बढ़ाइए तो यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि अष्टावक्र जिसको प्राज्ञ कहते हैं वो कौन हुआ। अष्टावक्र जिसको वाइज कहते हैं वो कौन हुआ, वो हुआ जिसने करना छोड़ दिया है, जिसने जीवन के प्रति अपने सारे प्रतिरोध छोड़ दिए हैं, जिसका मन न पकड़ने को आतुर है न छोड़ने को आतुर है, जिसको न संसार चाहिए न मुक्ति। जिसको न मोह चाहिए न मोक्ष, जो मोह से भी मुक्त है और मोक्ष से भी मुक्त है, जो मन की सारी कारगुजारियों से मुक्त है, मन से मुक्त और जीवन में मस्त। या अगर अलग टाइप की डिग्री बन गई फिर ये उसको क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं कि अब ये अगर तीसरी टाइप की डिग्री बन गई मन की, क्या तीसरे टाइप की डिग्री बन गई कि मैं तो मोक्ष से भी मुक्त हूँ मोह से भी मुक्त हूँ, तो ये अगर ये एक और चाल, कैसे पता लगे कि एक और चाल है? अब तो क्वेश्चन पूछने में भी शक हो रहा है कि वो मुक्ति से भी मुक्त हो जाता है। उसको मुक्ति की भी कामना नहीं है, और दावेदारी में भी उसको कोई रस नहीं है,
वो अति साधारण हो जाता है। वो बिल्कुल ही साधारण हो जाता है। देखो मन को आफतें चाहिए, आफतों से लड़ने में मन ताकत पाता है। तुम बड़ी आसानी से दुनिया को ही एक आफत घोषित कर सकते हो। तुम कह सकते हो दुनिया डरावनी चीज है, मुझे इससे मुक्त होना है, और तुमने बहुत अच्छा काम कर दिया है मन के लिए, उसको एक आफत मिल गई है। अब वो लड़ेगा दुनिया से, वो बात बात में त्याग की और संन्यास की कोशिश करेगा। प्राज्ञ वो है जिसकी जिंदगी से आफतें हट गईं। उसके लिए कुछ कोई आफत आफत है ही नहीं। उसकी जिंदगी से स्ट्राइविंग हट गई है, स्ट्राइविंग। एक गहरी रेजिस्टेंसलेसनेस आ गई है, स्ट्राइविंग नहीं, रेजिस्टेंसलेसनेस। फिर इस रेजिस्टेंसलेसनेस में जो होना होता है सो होता है। ठीक है, इस रेजिस्टेंसलेसनेस में जो होना होता है सो होता है, उसी को अष्टावक्र कह रहे हैं स्पॉन्टेनियस एंड पेरिनियल। बिना तुम्हारे मांगे और तुम्हारी बड़ी से बड़ी उम्मीद से ज्यादा, स्पॉन्टेनियस एंड पेरिनियल। पर बहुत बहुत निर्भय मन चाहिए ऐसा हो जाने के लिए, जो अपनी सारी स्ट्राइविंग, डूअरशिप, कर्ता भाव छोड़ दे और प्रस्तुत हो जाए कि अब जैसा है वैसा है, कोई बात नहीं, कोई आफत नहीं आ गई, जो होगा सो होगा। बोलो बोलो। ये जो हम बात कर रहे हैं इसके लिए 80 चैप्टर 18 में 21st जो सूत्र है उसमें एक बहुत अच्छी इमेज बताई है। सो द इंडिपेंडेंट फ्री मैन इज लाइक अ डेड लीफ ब्लोन बाय द विंड ऑफ कैजुअलिटी। फिर से बोलो। इज लाइक अ डेड लीफ, द फ्री मैन इज लाइक अ डेड लीफ ब्लोन बाय द विंड ऑफ कैजुअलिटी। काफी डरावनी छवि है अहंकार के लिए। बड़ा सुंदर लगता है जब उदाहरण देते हैं कि वाइज मैन का जीवन एक खिले हुए फूल की तरह होता है,
मन को अच्छा लगता है खिला हुआ फूल, और जब ये छवि सामने आती है कि सही बात तो ये है कि वो एक झड़े हुए पत्ते की तरह है जिसको नियति की हवाएं जहां चाहे उड़ा ले जाती हैं, तो मन बड़ा घबराता है, कहता है ऐसे कैसे हो जाऊं कि कभी कॉजेलिटी उठा के यहां पटक रही है, कभी वहां पटक रही है, कभी इधर ले जा रही है, कभी उधर। अरे मेरा कुछ है ही नहीं क्या कि जिधर हवाएं बहाए ले जा रही हैं पत्ता उधर ही जा रहा है। फिर हमारी जो आध्यात्मिक शिक्षा है वो भी शुरू यहीं से होती है कि अपने जीवन की पतवार अपने हाथ में लो, परिस्थितियों को अपने पर हावी मत होने दो, ऐसे मत हो जाओ कि जिधर हवाओं का रुख है उधर को तुम भी उड़ लिए। लेकिन सच यही है कि अस्तित्व से एक जो व्यक्ति है ये ऐसा ही होता है, कंप्लीट रेजिस्टेंसलेसनेस। हवा चली उड़ लिए, गहरी श्रद्धा है हवा मुझसे अलग नहीं, जिस भी जगह गिरूंगा वो मुझसे अलग नहीं, मैं किसी पराई दुनिया में नहीं हूं। जो हवा चला रहा है वही मेरी भी देखभाल कर लेगा, और मैं तो कुछ ज्यादा ही शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं अभी, वो इतना भी नहीं सोचता, वो इतना भी नहीं सोचता कि जो हवा चला रहा है वो मेरी देखभाल कर लेगा, कहने भर के लिए कह रहा हूं। वो तो बस उड़ जाता है, चली हवा उड़ लिया, पूछो कारण क्यों उड़ लिए, वो कहेगा ये शब्द ही कैसा है, कारण क्यों हो कोई कारण, वो भी कारण है वो मुझसे बाहर का है, वो अस्तित्वगत है कॉजलिटी, पर वो कारण मेरा मानसिक नहीं है। हवा का कारण हो सकता है, मेरे बहे जाने का कोई कारण नहीं है, परिस्थितियां क्यों ऐसी हैं उसके कारण खोजे जा सकते हैं। हम ऐसे क्यों हैं उसका कोई कारण नहीं खोजा जा सकता।